मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। दरभंगा के दीघी तालाब घाट पर हुआ योगाभ्यास, जिला गंगा समिति द्वारा घाट पर योग का हुआ आयोजन। सांसद, नगर विधायक, जिला पदाधिकारी एवं मेयर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया विधिवत उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा शहर के दिघी तालाब घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, मेयर अंजुम आरा एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य अर्जुन सहनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा नदियों, तालाबों, जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य के साथ नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से आम जनमानस का जुड़ाव बढ़ाने हेतु घाट पर योग का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक रोशन उपाध्याय एवं शिवानी कुमारी ने ग्रीवा संचालासन, स्कंद पंप संचालासन, ताड़ासन समेत कई योगाभ्यास कराया विभिन्न योगासनों का। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने सभी सम्मानित नागरिकों को गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट को साफ सुथरा, स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा एवं पॉलीथीन प्रवाहित नहीं करने, जलीय जीवों एवं वृक्षों का संरक्षण करने, घाट पर नियमित योग करने के लिए शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि योग को जीवन शैली से जोड़कर कई रोगों से निदान पाया जा सकता है। योग सबके लिए है, इससे शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। साई योग संस्थान लहेरिया सराय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आध्यात्मिक वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योगाभ्यास का प्रारंभ यहां के संस्थापक सेवानिवृत्त पदाधिकारी मायाधीश राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर ओमकारम, सुप्रभातम एवं शांति पाठ से सामूहिक रूप से प्रारंभ कराया गया। सर्वप्रथम शरीर के प्रत्येक जोड़ के लिए सूक्ष्म व्यायाम हुआ। श्वासन के साथ कई आसन भी लगाए गए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बीपी मंडल के द्वारा कराया गया। इसके उपरांत मायाधीश राय द्वारा योग निद्रा समेत कई आसन करवाए गए। अंतिम चरण ओमकारम संस्थान लहेरिया सराय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आध्यात्मिक वातावरण के साथ हर्षोल्लास के साथ ताली के साथ हर्षोल्लास योगाभ्यास का प्रारंभ यहां के समापन किया गया। सेवानिवृत्त संपूर्ण अधिकारी को सफल बनाने में राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मायाधीश राय के साथ साहतम एवं शांति पाठ सदस्य बीपी मंडल कराया गया। समिति के प्रथम शरीर के प्रत्येक जोड़ के लिए सूक्ष्म व्यायाम हुआ। महादेव ठाकुर, रामशंकर सिंह, विजय अनंत, कई आसन भी लगाए गए इत्यादि का सहयोग सराहनीय रहा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बीपी मंडल के द्वारा कराया गया। इसके उपरांत मायाधीश राय द्वारा योग निद्रा समेत खेल, व्यायाम और योग न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी उपयोगी है। इसलिए तमाम व्यस्तताओं के बावजूद यह जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक फोकस के लिए योग को अपनाएं। यह विचार CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने व्यक्त किए। प्रोफेसर अहमद कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में योग प्राचीन काल से ही सिखाया जाता है और आज योग ने विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। इसका एकमात्र कारण यह है कि योग से विभिन्न शारीरिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान यहाँ की अलग जीवन शैली रही है और इसमें योग का महत्व है। अतः योग को किसी विशेष नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसका असाधारण चिकित्सीय महत्व है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि हर धर्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति के शरीर और आत्मा को मजबूत बनाती हैं। हालांकि इसे एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी इसके काफी फायदे हैं।
उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में प्रार्थना की विधि और उसका पूर्ण निष्पादन स्वास्थ्य को स्थिर करता है। उन्होंने कहा कि योग अब शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वर्ष में केवल एक बार योग दिवस मनाकर संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। यह ज्ञातव्य हो कि कॉलेज की NCC और NSS इकाइयों के साथ साथ कॉलेज के शिक्षक इस विशेष कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भाग लिया और दर्जनों योग मुद्राएँ पूरी की। तो धान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार हर साल 21 जून को हम लोग योगा दिवस के रूप में सामूहिक रूप में मनाते हैं, परंतु हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हम दुनिया को आज से नहीं हजारों साल पूर्व से ये जो कला है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमने विश्व को प्रभावित किया है योग के माध्यम से। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का अस्त्र नहीं है, बल्कि मन को भी शांति एकाग्रता प्रदान करता है। आज पूरा विश्व यदि किसी एक बीमारी से ग्रसित है तो वो सबसे अधिक है डायबिटीज की। हमारे यहाँ पूर्व में गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो प्रत्येक दिन सुबह और शाम योग की घंटी हुआ करती थी। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो वैदिक आचार्य थे हमारे, वो योग के माध्यम से ही इलाज करते थे। आज पुनः भारत ने ये साबित किया है कि वो जो हमारी सांस्कृतिक पद्धति थी उसके माध्यम से हम विश्व में ये पैगाम दे रहे हैं कि हम किस तरह खुद को स्वस्थ रखेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि छात्र छात्राएं अपनी जो मूल संस्कृति है उससे जुड़ें और उसे किसी संकीर्ण मानसिकता से न देखें, इसको व्यापकता के रूप में देखें। और उस व्यापकता के रूप में जब देखिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग के जितने भी आसन है वो किसी न किसी रूप में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। छात्रों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बको ध्यानम, यानी बोगले की तरह ध्यान को एक जगह एकत्रित करना है। तो योग जो है, आपने देखा होगा कि जिस आसन को भी दिखाया गया आपको, उसके लिए पहली शर्त है कि आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल यहाँ हो, जहाँ जिस बिंदु पे आपको बताया जा रहा है। यदि आपने इस प्रैक्टिस को कर लिया तो आपके छात्र जीवन में जो आपका पाठ्यक्रम है वहाँ भी एकाग्रता काम आएगी आपको। और जीवन की किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए संतुलन एकाग्रता बहुत आवश्यक है। संतुलन अगर आपके जीवन में नहीं है, अगर आप 12 घंटा सोने लगेंगे, 8 घंटे अधिक सोना, अधिक से अधिक 8 घंटा मनुष्य को सोना चाहिए, लेकिन अगर आपने 12 घंटा सोना शुरू कर दिया तो वो संतुलन नहीं है। और 4 घंटा भी सिर्फ सो रहे हैं, रात के 1 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं और सुबह में 6 बजे उठना है। अभी देखा मैंने NCC के छात्र को, सबसे ज़्यादा जो पहला पाठ है वो अनुशासित होना है और समय का पाबंद होना है। आपको बुलाया गया 7 बजे, आप खुद ही देखिए, खुद घड़ी देखकर आप आए क्या यहाँ? वो इसलिए नहीं आए कि आपने इसको प्राथमिकता नहीं दी।
और जीवन में जब तक समय को प्राथमिकता नहीं देंगे आप सफल नहीं हो सकते। 7 बजे अगर दरभंगा ट्रेन होती तो आप अगर 8 बजे पहुंचते तो वो ट्रेन पकड़ाती क्या आपको? तो जीवन में यही आपको साबित करना है कि हमें जिस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, हम जिस चीज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं उसमें समय की बहुत पाबंदी है। मैं अपने बिहार एनसीसी 8 बटालियन जो हमारा है उनके जो सभी लोग यहाँ आए हैं उनके सीएम कॉलेज परिवार की ओर से स्वागत करते हैं इस योग दिवस पर। सभी छात्र जो कैडेट हमारे हैं उनके हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये एक दिन करने का अर्थ ये है कि हम ये सीख देना चाहते हैं समाज को। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमने एक दिन कर दिया फिर साल भर आराम करना है, अगले साल फिर 21 जून को आकर के इधर उधर 2-4 घंटा कर लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में इसको शामिल करना है। आपने देखा होगा कि जो योग बहुत कम योग के आसन दिखाए गए उसमें भी सब लोग पूरे नहीं उतरे, कहीं ना कहीं कठिनाइयां हुई पांव उठाने में शरीर को झुकाने में। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम उसके अभ्यस्त नहीं हैं। तो योग ये है कि उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं उसके अभ्यस्त हो जाना है और वो आपके लाभदायक है। तो एक बार पुनः एनसीसी के तमाम कैडेट्स को, कमांडर को, कैप्टन को, सभी लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत आभार कि इस अवसर को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। और मुझे यकीन है कि आप आज के बाद भी अपने जीवन में योग को शामिल रखेंगे जो आपके लिए स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी जो चिंतन है मनन है उसमें एकाग्रता लाएगी, संतुलन लाएंगे और आप सफल होंगे। धन्यवाद। जो योग किस प्रकार से सभी लोगों के लिए लाभकारी है, हमारे आम जीवन में आजकल सबसे ज़्यादा ग्रसित किसी बीमारी से है यदि लोग हैं तो वो हो गया मधुमेह से, और इसी प्रकार मन की एकाग्रता भी लोगों को बहुत विचलित करती है। ये तो मन के एकाग्रता के लिए और सभी प्रकार के मन के शांति के लिए और सभी प्रकार के बीमारी से छुटकारा के लिए हम सब योग डेली बेसिस पर करें, सर का मुख्यतः यही बिंदु था। सीएम कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस यूट्यूब के चैनल से मिलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्जना निखार शिविर में सैकड़ों छात्राओं को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास का प्रमुख अंग है, इसे अपनी दिनचर्या में अपनाएं, बोले प्रोफेसर अजय पंडित। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा आयोजित निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर सर्जना निखार शिविर में प्रशिक्षण ले रही छात्राओं को योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज संपूर्ण विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग करने से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, इसे हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सर्जना निखार शिविर आयोजित होने पर छात्राओं को वर्षों से आत्मनिर्भर बनाने का मंच देना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सराहनीय प्रयास है। आत्मनिर्भरता महिलाओं की आत्म पूंजी है जिसको बढ़ाने का काम एबीवीपी निरंतर कर रही है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा ने कहा कि मिथिला की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की छात्राओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का विगत 18 वर्षों से सर्जना निखार शिविर का प्रयास सराहनीय है। एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर श्याम चंद्र गुप्ता ने कहा कि बढ़ते आधुनिकता के दौर में हर कोई दूसरे पर निर्भर होता है, ऐसे में अपने देश की संस्कृति को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से अक्षुण्ण बनाए रखने का सर्जना निखार शिविर का प्रयास देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है। योगाचार्य डॉक्टर राम विनोद ठाकुर ने योगा के महत्व को समझाते हुए सभी छात्राओं को निरंतर ऐसे शिविर में सहभागिता की आवश्यकता बताई। योग के प्रशिक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि योगा हमारे जीवन को आसान एवं सरल बनाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने धन्यवाद ज्ञापन किया, साथ ही छात्राओं की सहभागिता और जागरूकता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से सबको अवगत कराया। मंच संचालन विभाग संयोजक राहुल सिंह ने किया, वहीं इस कार्यक्रम व्यवस्था सहयोग में कार्यक्रम सह प्रमुख सुमेधा श्रीवास्तव, कुमारी खुशी, अंबिका सोनी, राजकुमार मुखिया, मंगल कुमार, मृत्युंजय चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर ने कहा कि पूरे जिले भर में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं ने इस महाविद्यालय परिसर में योगाभ्यास कर रिकॉर्ड कायम किया है और यह सभी बाकी छात्राओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सर्जना निखार शिविर में भाग लेने के लिए छात्राएं वर्ष भर प्रतीक्षा करती हैं। इस शिविर को आज संगठन के प्रमुख कार्यक्रमों में गिना जाता है, जिसका श्रेय परिषद की दरभंगा इकाई के नूतन पुरातन कार्यकर्ताओं को जाता है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। मारवाड़ी महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, इसलिए योग दिवस के अवसर पर योग का आयोजन करते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। आजकल मानव स्वास्थ्य पर ध्यान न रखकर योग का बहिष्कार करते हैं, जबकि योग प्रणाली स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का अच्छा साधन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अवधि में प्रतिदिन योग करना चाहिए। कार्यक्रम में रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा बताया गया कि योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, साथ ही इससे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। महाविद्यालय के बरसर डॉ. अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि योग हमेशा से हमारी प्राचीन धरोहर रही है। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार झा ने कहा कि नेपाल में योग को वहां के लोग किस प्रकार से अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। साथ ही बताया कि दिन प्रतिदिन योग करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रशिक्षिका पतंजलि, जिला प्रभारी किरण देवी, योग शिक्षक कुमार श्री आनंद सत्यप्रकाश, साथ में उनके सहयोगी आरती कुमारी और सुभाष कुमार यादव के द्वारा एनएसएस के स्वयंसेवकों और छात्र छात्राओं को योग के आसन सिखाए गए। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. सुनीता कुमारी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। कार्यक्रम में डॉ. अमरेंद्र झा सहित एनएसएस के स्वयंसेवक सरोज कुमार कुणाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तारा मंदिर राज दरभंगा प्रांगण में भारत सरकार आयुष मंत्रालय के योग गाइडलाइन के आधार पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कमर संचालन, घुटना संचालन, तारासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, मकरासन, भुजंगासन समेत कई आसन लगाए गए। वरिष्ठ योगाचार्य डॉ. शैलेंद्र लाल दास ने इसे बारीकी से कराया और कहा कि योग साधना से मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, जो हमारे ऋषि मुनि लोग सिद्ध कर दिखाए हैं। साक्षात भगवान शिव सही योग साधक के सहयोगी रहते थे। योगी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि उनके पास नहीं आ सकता। कार्यक्रम ठीक समय पर सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 6:30 में समाप्त किया गया। भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से शशिनाथ दास, अवकाश प्राप्त अभियंता हरि प्रसाद, उमेश कुमार मंडल, विजय कुमार झा, प्रभात कुमार, शिव शक्ति कुमार, राम सागर मंडल आदि उपस्थित थे। अभी निकलना।
39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga. Affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग योग सेशंस आयोजित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाचार्य संजय कुमार झा एवं प्राचार्य अनुराधा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने सम्मिलित रूप से योगा और उसके महत्व के साथ साथ योगा के लाभ पर भी बच्चों के साथ खुलकर चर्चा की। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने कहा कि योगा हमारे मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में योग हमारे लिए सुख शांत एवं खुश रहने और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है और बच्चों को बड़ों को सभी को इसे निश्चित रूप से अपने जीवन शैली में उतार लेना चाहिए। इन परिचर्चाओं के बाद विद्यालय की शिक्षिका रूपा कुमारी ने बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विभिन्न योग सेशनों का सफल संचालन किया जिसमें बच्चों ने विभिन्न योगासन कर इन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की शपथ ली। आज के इस कार्यक्रम की थीम स्वयं और समाज के लिए योग जो कि साल 2024 की थीम भी है, इसे संयुक्त रूप से सभी के द्वारा हर्षोल्लास के साथ न ही सिर्फ अपनाया गया बल्कि इसे पूरे साल निरंतर बढ़ाते रहने के लिए भी अपने आप को स्वीकृत किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। दरभंगा शहर के बीचों बीच कोतवाली ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट बाजार में हुआ मामूली सा विवाद सड़क पर आ गया और कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक को अधमरा कर दिया। यह खबर दरभंगा से है। दरभंगा शहर के बीचों बीच से यह बड़ी खबर जहां वहां पर अवस्थित मॉल स्मार्ट बाजार में हुए मामूली से विवाद ने भयंकर रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक युवक को मार मार कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया और मरणासन्न कर दिया उसे। दरभंगा के बाजार में बड़ा फसाद जहां दरभंगा के युवक मोहम्मद जिलानी को पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया गया है। जिलानी स्थानीय एक निजी नर्सिंग होम में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। माहौल को देखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के पास कई थानों की पुलिस सदर SDPO अमित कुमार की अगुवाई में जुटी हुई है। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 22 साल के मोहम्मद जिलानी को नगर थाना इलाके के सेनापत मोहल्ले के रहने वाले जिलानी को आपसी विवाद में मार पीट कर कुछ लोगों ने अधमरा कर दिया है। वारदात नेशनल सिनेमा स्मार्ट बाजार का बताया जा रहा है जहां किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। वहीं से बाहर निकलने पर उसके साथ तकरीबन 10 की संख्या में लड़कों ने जिलानी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि उसका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक है। जानकारी के अनुसार वारदात कल शाम की बताई जा रही है जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDPO सदर अमित कुमार की अगुवाई में लहेरिया सराय बहादुरपुर नगर थाना और विश्वविद्यालय थाने की पुलिस वहां कैंप कर रही है। सभी कोतवाली थाने के पास पहुंचे हुए हैं। वहीं कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लोग कह रहे हैं कि इस मामले पर पुलिस कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्मार्ट बाजार जब से खुला है फसाद की जड़ बना हुआ है। आए दिन जिस दिन यह खुला उस दिन से ही यहां कुछ न कुछ हर रोज हो रहा है और आज स्मार्ट बाजार के भीतर हुआ मामूली फसाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर मारपीट का नंगा नाच होने लगा। एक युवक मोहम्मद जिलानी को 10 के करीब लड़कों ने इतना पीटा कि वह मौत के करीब जा पहुंचा है। हालांकि उसका इलाज स्थानीय बड़े नर्सिंग होम में चल रहा है। पुलिस कह रही है कि लगातार मामले पर नजर रखी जा रही है और अपराधियों को जो दोषी हैं आरोपी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। सर ये अभी कोतवाली थाना के भी बाहर में बहुत सारी भीड़ है, मामला क्या है सर? देखिए मामला कल शाम का है। कल शाम एक नवयुवक जिसका नाम मोहम्मद जिलानी है और उनकी माँ का नाम जफरा खातून है, वो लड़का जिलानी जो स्मार्ट बाजार है कोतवाली थाना अंतर्गत वहाँ कुछ खरीदारी के लिए आया हुआ था। अंदर बाजार के अंदर ही
जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो रैक्स होते हैं सामान के उनके आसपास कुछ लड़कों में मामूली सामान लेने उठाने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, हल्का कंधा रब किया है, इस तरह की मामूली घटनाएं हुई हैं। उसके बाद देख लेने की बात कही गई कि बाहर निकलो, देखा जा रहा है। और वो लड़का बाहर आया, बाहर आने के बाद स्मार्ट बाजार के कैंपस के जस्ट बाहर थोड़ी दूर रोड के उस तरफ उस पर कुछ लड़कों के द्वारा उसे घेर कर हमला किया गया है। उस पर हमले में उसे सीरियस चोटें आई हैं, बांस वांस से उसे मारा गया था, बांस के फट्टे से सर पर वार किया गया था। उसके पश्चात लोग थाने पर आते हैं, थाने पर आकर पुनः फिर लोग कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही कांड दर्ज किया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूँकि चोट सीरियस थी इसलिए वर्तमान में वो फारस अस्पताल में एडमिट है। ये जो लोग आए हुए हैं वो परिजन हैं, कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है, जो नामजद हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया है। इसमें 7 लोग नामजद किए गए हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? इसमें से एक गिरफ्तारी हुई है जो इन नामजद में से नहीं है, लेकिन उसे पूछताछ के तौर पर उसे लाया गया है। अभी सर जो लड़का है जिलानी जो घायल है उसकी क्या स्थिति है अभी? देखिए स्थिति गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर मॉल के अंदर जो मारपीट हुई, जो अंदर में स्टाफ है, किसी ने कुछ बताया कि किस लिए झगड़ा हुआ? मॉल के अंदर मैंने कहा ना पहले भी, मॉल के अंदर कोई मारपीट नहीं है, जस्ट हल्की सी नोकझोंक हुई है, कंधा टकराया है और ठीक है बाहर निकलो देखते हैं, इतने तक की बात है। मॉल के अंदर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, फाट भूसा कुछ भी नहीं चलाया गया, नहीं चला गया। मॉल के बाहर जो घटना हुई है वो हुआ है। सर जिलानी के साथ 2 लड़के और भी थे, उनसे कुछ पूछताछ हुई सर? उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी मोहल्ला के रहने वाले हैं सर ये लोग, ये सेनापत कॉलोनी के रहने वाले हैं। और सर जो दूसरा पार्टी वो जो आकर के जिलानी को मारपीट किया, सारे आसपास के हैं, मोगलपुरा के हैं, मुफ्तीबुल्ला के हैं, सबके लिए छापेमारी की जा रही है।